dad, Aniket Joshi. And now I have the Kundra family. Producer Shankar Kundra. Vinayak's mother, Manjari Kundra. And our superstar, Vinayak Kundra, who's also known as Vin Kundra. We'll now have a photo op. Thank you. Congratulations for your new show. Can you tell us about regarding this new show? Siddhivinayak iska naam hai. Main Vinayak play kar raha hu, ye Siddhi play kar rahi hai. और दो फैमिली है, एक सिद्धि की फैमिली मराठी फैमिली है, मेरी फैमिली पंजाबी की फैमिली है, गुरदासपुर से आई है. पापा जी का सपना है बहुत बड़ा, एक्टर बनना है, सुपरस्टार बनना है. उसके लिए रिहर्सल करनी है, सीखना है, वो सीख रहा हूँ. बाकी सब कुछ बताऊँगा, सिद्धि पहले अपने बारे में बताएगी कुछ. मैं सिद्धि का किरदार प्ले कर रही हूँ और मैं एक बैकड्रॉप डांसर हूँ और मेरी फैमिली की टेक केयर करने के लिए ये मेरा पैशन है डांसिंग और उसी को मैंने अपना प्रोफेशन बनाया हुआ है. ये शो में आपको एक बैकड्रॉप डांसर की लाइफ कैसी होती है, एक बॉलीवुड में जो सुपरस्टार बनने वाला है उसकी लाइफ कैसी होती है, सबके पर्दे के पीछे की कहानी देखने को मिलेगी. सो दिस इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट. जैसे कि आपको भी एक्टर बनना है और ये भी डांसर है, तो दोनों एक ही मतलब है कुछ अलग? अलग इसमें एक्चुअली क्या है, आपने अभी तक जितने भी सीरियल्स देखे हैं उसमें फैमिली ड्रामा होता है, तो इसमें मैं नहीं कहूँगा नहीं है, वो तो है ही जो ऑडियंस को जोड़े रखेगा. इसके साथ साथ इसमें जो हमने बॉलीवुड टच दिया है उससे क्या है कि जो नॉर्मल जनता जो फिल्म्स देखने नहीं जाती है छोटे गांव के लिए, उनको नहीं पता कि सुपरस्टार की लाइफ क्या होती है, लाइट कैमरा एक्शन क्या होता है, डायरेक्टर क्या होता है.
तो वो चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, एक सुपरस्टार कैसे जीता है, एक जूनियर डांसर जो है उसकी लाइफ कैसे होती है, वो कैसे जीती है। तो एक फैमिली ड्रामा के साथ साथ एक दूसरी बॉलीवुड टच देखने को मिलेगा, लोगों को समझ में आएगा कि एक सुपरस्टार की लाइफ और एक जूनियर आर्टिस्ट की लाइफ क्या होती है। तो दो कॉन्सेप्ट मिल के सिद्धि विनायक बना है। ऑलरेडी ऑन लोकेशन शूट भी हो चुका है, तो कुछ बताना चाहिए कैसा रहा एक्सपीरियंस शूट हो? हाँ, हम लोग रोज़ ही हम लोग शूट कर रहे हैं और हमें शूट करते हुए ऑलमोस्ट 2 महीने पूरे होने आए हैं और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। हमारी जो पूरी कास्ट है सब बहुत अच्छे हैं, मेरी मॉम, मेरे डैड, उत्कर्षा जी, मनीष जी, हम लोग सब वी आर लाइक अ फैमिली। और जो अभी टाइम है मेरे घर पे आ जाओ फिर बताती हूँ। मतलब वो ये ऑन स्क्रीन वाली हैं, लेकिन ऑफ स्क्रीन जब हम लोग बैठते हैं बातें करते हैं सो इट्स लाइक वन फैमिली और बहुत मज़ा आता है सबके साथ शूट करने में, सो वी आर इन्जॉइंग। ये भी इसमें नेगेटिविटी नहीं है इस कैरेक्टर में बिल्कुल भी, इसमें बहुत से लेयर्स हैं। ये अपने बेटे को बहुत प्यार करता है और अपने बेटे की करियर बनाने के लिए ये इंसान जो शंकर कुंद्रा, ये किसी भी हद तक जा सकता है। अब किसी भी हद तक जाने के लिए उसमें कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो एक आप लोगों ने मुझे ज़्यादातर नेगेटिव किरदारों में देखा हुआ है, इसमें नेगेटिविटी कुछ नहीं है, इसलिए ये टोटल पॉजिटिव कैरेक्टर है और इसमें लेयर्स बहुत हैं जो धीरे धीरे अनफोल्ड होती चली जाएंगी। अच्छा, तो सर क्या कारण थे इस तरह का शो करना, क्योंकि नागिन को लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म गया जी, इसके कारण इस तरह के शो आपने? मैं एज एन एक्टर ये कहना चाहूँगा कि जो रोल मैं कर रहा हूँ इसमें, ऐसे रोल एक्टर्स को बहुत कम करने को मिलते हैं। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कैरेक्टर है ये रोल है और ज़बरदस्त कैरेक्टर है, आप लोग देखेंगे आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा, तो जी हमेशा माँ का किरदार मतलब बहुत प्यार लाड़ से बिगाड़ना होता था, क्या यहाँ पे भी इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा? अभी पहले सबसे पहले तो मैंने जैसे मुझे ब्रीफ मिला इस कैरेक्टर के बारे में तो शुरुआत होती है स्टोरी की, तो एज ग्रुप उन्होंने कहा कि 30। मैंने कहा इतना अच्छा मौका तो नहीं मिल सकता, अगर एक औरत को इतना अच्छा मौका मिल जाए कि इतने कम मतलब जो डिफरेंस है एज का, मैंने कहा चलो मैं तो कर रही हूँ ये कैरेक्टर। उसके अलावा जोक्स अपार्ट, बट उसके अलावा पिछले कई सालों से मैं लगातार जैसे इस प्यार को क्या नाम दूँ, इट वॉज़ ग्रे कॉमेडी, मेरी आशिकी इट वॉज़ अ मेजर नेगेटिव, साथिया इट वॉज़ अ मेजर नेगेटिव, एक मतलब इतने सालों बाद एक अच्छा मौका मिला है जिसमें ये कैरेक्टर बिल्कुल नेगेटिव है ही नहीं। एक अपार्ट फ्रॉम दैट इसके इस कैरेक्टर के भी बहुत सारे लेयर्स है, बहुत वन लाइन कैरेक्टर्स या कैरेक्टराइजेशंस इसमें है नहीं, तो बहुत सारी शेड्स है इसमें और मराठी बैकड्रॉप भी है, तो मैं खुद महाराष्ट्रियन हूँ तो मैं उस चीज़ को भी थोड़ा इन्जॉय कर रही हूँ कि अपनी मातृभाषा को भी मैं थोड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें, और जो मराठी ठेठ वाली बोली और ठेठपना जो होता है वो इस कैरेक्टर में है। और सबसे बेस्ट पार्ट मुझे इस कैरेक्टर का लगा कि शी इज़ नॉट अ क्लीशे मॉम, जैसे अभी आपने पूछा कि लाड प्यार और ये सब वो तो चलो एक माँ तो हर माँ वो करती है, लेकिन उसके बावजूद इस कैरेक्टर का एक अलग मतलब शेड है, जो अपने हस्बैंड को तू तड़ाक करके उससे बात करती है, उससे बहुत प्यार करती है, बेटे के साथ भी वही रिलेशन है, मतलब इट्स नॉट अ क्लीशे मॉम, हटके हैं, तो इसलिए मैंने इमीडिएटली इस किरदार को एक्सेप्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है प्ले करने में। दोनों नेगेटिव्स और पॉजिटिव कर रहे हैं। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।